भाई कहाँ जा रहा है? मस्जिद। कोरोना वायरस तेरे को डर नहीं लगता? हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं और किसी के बाप से नहीं। और कोरोना वायरस नमाजियों को पकड़ ले, ये उसकी औकात नहीं। म्यूजिक। डेटॉल लिक्विड हैंड वॉशर सैनिटाइजर दे 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से सुरक्षा। तभी तो मामा ने सिर्फ डेटॉल का धुला। की है कि रोजे की हालत में क्या बड़े इस्तिंजा करते वक्त यानी लैटरिन धोते वक्त क्या रोजा टूट जाएगा नहीं टूट जाएगा? देखें, ऑडियो में जो मसला बयान किया गया है वो है तो बिल्कुल दुरुस्त और बाहर शरीयत रोजा तोड़ने का बयान में वो चीज मौजूद है, मगर ये कि वो सूरत हाल बहुत ज्यादा कम पेश आती है। ऐसा अक्सर होता नहीं है कि कोई लैटरिंग में इतना मुबालगा करे यानी इतनी जोर से सांस ऊपर ले कि पानी मैदे में चला जाए, सूरत बहुत कम आती है। लेकिन फिर भी इसमें एहतियात यही है कि जब आप लैटरिंग करने बैठें तो कम से कम पैरों को ज्यादा कुशादा करके खोल के ना बैठें बल्कि थोड़ा सिकुड़ के बैठें, खासतौर से खवातीन के उनके आगे और पीछे के दोनों मकाम बनिस्बत मर्द के ज्यादा बड़े होते हैं। तो ऐसे में पानी लेते वक्त इस्तिंजा करते वक्त उनको ज्यादा एहतियात की हाजत है कि इस्तिंजे में ऊपर को सांस ना ले, छोटे इस्तिंजे में भी बड़े इस्तिंजे में भी। और इसमें करना ही चाहिए, जब आप इस्तिंजा करने के लिए बैठें यानी शुरू करें तो उस वक्त सांस ऊपर लेकर सांस को रोकें और उसके बाद इस्तिंजा करें और उसके बाद धीरे धीरे सांस को छोड़ दें। मगर ये कि लैटरिन धोते वक्त अगर कोई बहुत ज्यादा ऊपर को सांस खींचेगा तो ऐसी सूरत में पानी अंदर जाने का अंदेशा रहता है जिससे रोजा फासिद हो जाएगा। अगला पीरियड बंक करेंगे, ठीक है? तुम्हारे ना तेरे पास? अरे उसकी टेंशन मत ले। तू खाने में कुछ लाया तू? नहीं भाई। चल कोई नहीं, कैंटीन में खा लेंगे। कुछ बोला है तू? नहीं कुछ नहीं। अच्छा। ओए, तेरे पीछे जो बंदा बैठा हुआ है ना? मेरे पीछे? उसको मैंने कल टिकटॉक पे देखा था, पीछे मत देखियो, यही पे देख रहा है। अगर इस क्लास सबके सब गायब भी हो जाए ना तो इस टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंग्लिश का टेस्ट होने वाला था ना आज? वजह तुम हो। मैं भी नहीं पढ़ के आया। हे भगवान। 15 लाख सीसीटीवी लगाएंगे आप शहर? लगे 10 से 15 लाख। चाय पीना मुश्किल कर देंगे आप, बताइए। किसी का हाथ पकड़ के चलना इस दिल्ली में मुश्किल हो जाएगा अगर अच्छा 10 लाख 15 लाख सीसीटीवी का शहर होगा। ये क्या आइडिया है सर? सर इसे क्राइम रुकेगा। दुनिया में कहीं भी सीसीटीवी से कुछ भी नहीं रुका है। रुका है सर, जितने डेवलप रुका है। आपने गलत सर, जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं 15 लाख सीसीटीवी के निगाह में हम चलेंगे तो फिर हम इस शहर में क्यों रहेंगे, मुझे आप बताइए। तो आप प्राइवेसी पूरी खत्म हो जाएगी। आप 15 लाख सड़क के ऊपर आपकी क्या प्राइवेसी? ऐसा क्या करते हो आप सड़क के ऊपर जो आप सीसीटीवी से आपकी कुछ भी है? सड़क के ऊपर मैं चलता हूँ फिर भी मेरी एक प्राइवेसी है सड़क के ऊपर। 15 लाख चप्पे पे मैं ये सोच के डर गया कि आप 15 लाख सीसीटीवी लगाने वाले। नहीं, आप अगर थोड़ा मुझे बता दें
कि सड़क के ऊपर ऐसा आप क्या करते हैं जो दूसरों को नहीं दिखाना चाहते, तो सीसीटीवी कैमरों को उसी हिसाब से देख लेंगे ना। सड़क के ऊपर कोई प्राइवेसी नहीं लगता कि जो सड़क पे आप चौराहों पे लगाने वाले हैं, कुतर्क कर रहे हैं, कुतर्क कर रहे हैं आप, कुतर्क के लिए अच्छा है। आप थोड़ा सा सोच के देखिए, आज आधे से ज्यादा इंसिडेंट्स क्राइम के इसलिए होते हैं क्योंकि उसको डर नहीं होता है कि अगर आप वो लगाने जाएंगे तो दिल्ली के बजट का जो भी है 40,000 उसका 3 गुना पैसा लगेगा। कहाँ से लगेगा? एक 200 करोड़ लगेगा, मैंने कैलकुलेट कर लिया। 2,000 रुपए का एक वाईफाई कैमरा आता है, 10 लाख से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 200 करोड़ बनता है। वो कांग्रेस के स्टाइल में 1,00,000 करोड़ लगेगा। कांग्रेस वालों को उसमें से 90% तो खाना है ना पैसा, हमको खाना नहीं है, तो 200 करोड़ रुपए में हो जाएगा सारा। मैंने सारा कैलकुलेट किया हुआ है सर। हे गाइस, मैं घर पे हूँ और सेफ हूँ, तो क्या नाचो मैं? मजा आया। हाँ, हे महान कवि वसवत, हे महान कवि कालिदास, हे महान कवि रघुवीर सहाय, आप भी कुछ कहेंगे या सारा रविश कुमार कहेगा? सूरज निकलने से पहले लोग शराब के लिए निकल पड़े हैं। आह आह ओ, क्या हुआ है बताएंगे? अभी तो पुलिस हम लोग को डिटेन की है। हाँ। हम लोग आए थे यंग इंडिया अधिकार मार्च में बिहार से। मैं 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन मैं नहीं, सनूने काट रहे हैं। भारत माता की जय।